तो आपको पता है अभी चल रही है डेज ऑफ प्ले सेल, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है। तो बताऊँगा मैं आपको बेस्ट ऑफर जो चल रहे हैं अभी प्ले स्टेशन स्टोर पर। लेकिन याद रहे ये अकाउंट है टर्की ना कि इंडिया, क्योंकि आपको पता है क्या पता है कि जो प्राइस हैं टर्की में काफ़ी चीप होते हैं, बहुत ही बढ़िया उनको डील मिल जाती है। अब याद रहे कि टर्की अकाउंट यूज़ करने से आपका कॉन्सोल बैन नहीं होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं आता अगर आप किसी भी रीजन का अकाउंट यूज़ करते हो, समझे आप। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कुछ डील्स जो हैं इसमें, और दिखाऊँगा मैं आपको एक गेम जो मैंने बाय करा है। वैसे बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ, मैंने वीडियो शूट कर ली, गेम बाय कर लिया, लेकिन देखा वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने एक आपको दिख रहा है GTA 5 PS4 और PS5 का, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। इसका है 191 TL, इसका है 219 TL। तो पहला सवाल आता है ये TL क्या है, TL करेंसी है टर्की की। अब ये अमाउंट कितना हुआ इंडिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 191 TL इंडिया में कितना है। अगर आपको ये जानना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, देखो ये है, आप खोलिए अपना यहाँ पे कैलकुलेटर और यहाँ पे सिंपल टाइप करिए 191 जो भी आपका TL है इनटू या सर्च करिए 4.2 या 3 और आपकी जो वैल्यू है इंडियन रुपी में वो आ जाएगी। अब यहाँ पे हो सकता है टैक्स लगे या ना लगे, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा गेम है और आप किससे बाय कर रहे हो, आपका कौन सा कार्ड है जो भी है। तो यहाँ पे आप GTA 5 को बाय कर सकते हो। रेड डेड की बहुत ही ज़बरदस्त डील चल रही है, इसका प्राइस आपको पड़ेगा कुछ 700 रुपये का। यहाँ पे ये भी वेलहला द डॉन ऑफ रैग्नारॉक, इसकी भी डील अच्छी है। यहाँ पे गेम आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन जो मैंने गेम बाय करा बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में अभी। या अवेंजर्स की डील अच्छी है यहाँ पे, यहाँ पे हॉट व्हील्स की अच्छी डील है, यहाँ पे बैक फोर ब्लड है, यहाँ पे आपका माफिया डिफिनेटिव एडिशन जिसका प्राइस है $90 बोल दिया मैंने। यहाँ पे मेट्रो एक्सोडस भी काफ़ी आपको चीप मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से जाके देख लो कि आपको कौन सा गेम चाहिए, क्योंकि अभी मौका है आपके पास। तो जो कि मैंने बाय करा है इसमें वो है Alan Wake 1 रीमास्टर। देखिए यह लिखा है परचेज, मैंने इसी अकाउंट से Alan Wake 1 रीमास्टर बाय करा है। और देखो मैंने अकाउंट का नाम भी Alan Wake ही रखा है, ये मैंने सेटिंग में जाके दिखाऊँ मैं आपको। देखिए Alan Wake परचेज्ड। अब बात आती है मैंने गेम बाय कैसे करा। आपको चाहिए एक डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड कैसे लें टर्की का। कुछ लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं अपना पर्सनल, कुछ लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रिप्टो डेबिट कार्ड जो होते हैं। कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे टर्की में कुछ लोगों से कांटेक्ट करते हैं और उनसे डायरेक्टली बाय कर लेते हैं गेम, जो लोग टर्की में बैठे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कार्ड यूज़ करा है आपके सामने आ रहा है, वीज़ा कार्ड है, आपको पता चल गया होगा ये मेरा पर्सनल कार्ड है। अब बात आती है ये मैंने कौन सा कार्ड यूज़ करा है, कौन सा है भैया, किस बैंक का है, बताऊँगा मैं आपको वीडियो में आगे। पर पहले मैं दूंगा आपको प्रूफ कि मैंने गेम बाय करा है टर्की से ही करा है, इसी अकाउंट से करा है। चलिए दिखाऊं मैं आपको। तो मैं आ गया हूँ अपने उसी अकाउंट पर जहाँ मैंने इस अकाउंट को बाय करा है, मेरे मतलब जो मैंने गेम बाय करा है इसी अकाउंट से बाय करा है, इसी जीमेल आईडी से। देखिए यहाँ मैंने अकाउंट बनाया है आज ही, जिसका टाइम दिखा रहा है आपको 4 बजे के आसपास, और मैंने कराया गेम को अकाउंट को वेरीफाई 1 बजे और क्राइस का ऑन 2-स्टेप वेरिफिकेशन 1:03 पे, मतलब अभी से आधे घंटे पहले। और यहाँ पे गेम बाय करा है मैंने, देखिए थैंक यू फॉर योर परचेज, टाइम है 1:25 और आईडी है।
टोटल है 87.6 TTL, और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट पेमेंट कटने के, जो टोटल प्राइस मुझे गेम पड़ा है अप्रॉक्स 380 रुपीज़ का। तो मैंने आपको दिखा दिया हर चीज़, मैंने गेम कैसे बाय करा, कहाँ से बाय करा। अब बताऊँगा मैं आपको मैंने कौन सा कार्ड यूज़ करा है। तो डेबिट कार्ड है जो मैंने यूज़ करा है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल बताऊँ मैं आपको बात, कि आपको यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। आपका कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं चलने वाला टर्की अकाउंट में। लेकिन अगर आपके पास है एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड, या फिर आपके पास है क्या चीज़ पेटीएम बैंक का डेबिट कार्ड, तो इसमें चल जाएगा। मैंने पेटीएम डेबिट कार्ड से ही यहाँ पे एलन विक 1 को बाय करा है, जिसका प्राइस बहुत ही चीप पड़ा मुझे। और आप यही नहीं, इस डेबिट कार्ड से, पेटीएम डेबिट कार्ड से कोई भी गेम बाय कर सकते हो टर्की अकाउंट में। लेकिन बस आप क्या नहीं बाय कर सकते हो बताऊँगा मैं आपको अगली वीडियो में। लेकिन अभी के लिए आप जो चाहो गेम बाय कर लो इस पेटीएम डेबिट कार्ड से। बस याद रहे, जाइए अपने पेटीएम डेबिट कार्ड की सेटिंग में, वहाँ पे ऑन करिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को, वहाँ लिमिट को फुल कर दीजिए, और बस आपका डेबिट कार्ड रेडी है यूज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे यही यूज़ करा है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें कोई भी नहीं बताने वाला पब्लिकली। और अगर आप चाहते हो करना बातें ऐसे लोगों से जिनको इन्फॉर्मेशन हो गेमिंग की, या आप चाहते हो बात करना, चैट करना, डिस्कशन करना गेमिंग के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ जाइए ज्वाइन करिए और कर लें उसको ज्वाइन। वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग जो करते हैं, सेल करते हैं गेम को, बातें करते हैं, मज़े करते हैं। तो आइए और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।